मैडम, हम लोग पहुंचे कॉरपोरेट अकाउंट के अंदर। कॉरपोरेट अकाउंट में ये सब्जेक्ट है हमारा, कॉरपोरेट अकाउंट्स। कॉरपोरेट अकाउंट्स के अंदर हमारा जो अभी चैप्टर है उसका नाम है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में मैं आप लोगों को थियरी एलस्ट्रेशन साथ में कराते जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि ये थियरी वाले पेजेस हैं, ये थियरी पेजेस एंड सम्स पेजेस मिक्स है। ठीक है, तो मैं रूल्स और थियरी साथ में कराते जाऊंगा, थियरी सम साथ में कराते जाऊंगा। अब बैंक अकाउंट शुरू करें, उसमें सबसे पहली लाइन जो मैं हर चैप्टर में बताता हूँ, सबसे पहले किसी भी चैप्टर में मैं पहली लाइन यही बोलता हूँ कि हम कौन है। तो इस चैप्टर में ऑब्वियसली हम लोग एक बैंक है, तो हमको एक बैंक के व्यू पॉइंट से समझना है। ये टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन जीरो है, ये टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन जीरो है। एक बार मैं रीड करता हूँ, बहुत छोटा ही टॉपिक है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखना। सम डिटेल्स अबाउट एडवांसेस ऑफ अ कमर्शियल बैंक आर गिवन बिलो। एडवांसेस मतलब जो हमने अलग अलग लोगों को लोन दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्मिंग एसेट्स, उसके नीचे लिखा हुआ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा, परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं जो रेगुलरली हमको इंटरेस्ट का पैसा पे करते रहते हैं। मैं थोड़ी बहुत मीनिंग बताता हूँ आपको, मैं ज्यादा लीगल मीनिंग ड्यूरेशन और टाइम के साथ लिखाऊंगा, अभी फिलहाल शॉर्ट में बता रहा हूँ। परफॉर्मिंग एसेट्स आर दोज लोन्स गिवन बाय अस मतलब बैंक टू आर कस्टमर्स ऑन विच द इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट इज रिसीव्ड रेगुलरली। मतलब हमारे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो रेगुलरली अपनी ईएमआई, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, सारा हमको इंस्टॉलमेंट का पैसा रेगुलरली पे करते हैं। हम बैंक हैं, तो हमारे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको हमने लोन दिया है और वो रेगुलरली हमको इंटरेस्ट का पैसा और इंस्टॉलमेंट का पैसा देते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से होते हैं? तो अभी नॉन परफॉर्मिंग भी आ जाते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर दोज लोन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर दोज लोन्स गिवन बाय अस टू आर कस्टमर्स ऑन विच इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट इज नॉट रिसीव्ड रेगुलरली, इज नॉट रिसीव्ड रेगुलरली। ये इसको शॉर्टकट में पीए बोलते हैं परफॉर्मिंग को, और नॉन परफॉर्मिंग को शॉर्टकट में एनपीए बोलते हैं। जब भी आप कोई न्यूज चैनल देखोगे, फाइनेंस की कोई न्यूज देखोगे, तो एनपीए एनपीए आप लोग बहुत बार सुनोगे। एनपीए मतलब वो लोग होते हैं जो डाउटफुल होते हैं, जो रेगुलरली हमको इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देते, ठीक है, इंटरेस्ट का पैसा रेगुलरली नहीं देते, तो इसके एनपीए बोलते हैं। वैसे इसका ड्यूरेशन होता है 6 महीने। हमारे जिस भी कस्टमर ने 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया और कोई भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं पे किया है, उस कस्टमर के लोन को हम एनपीए में लिखते हैं। ये 6 महीने हो गया और उसने कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, फिर भी इसका लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल डेफिनेशन मैं आपको लिखाऊंगा। ओके, फिलहाल इस टॉपिक पे आते हैं। जिन्होंने परफॉर्मिंग एसेट दिया हुआ है उसके अंदर इंटरेस्ट अक्रूड दिया हुआ है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। परफॉर्मिंग एसेट में टर्म लोन में एक एग्जांपल डिटेल में बताता हूँ। परफॉर्मिंग एसेट में पहला पहला टर्म लोन है, उसके अंदर टोटल इंटरेस्ट अक्रू हुआ 40,000, टोटल इंटरेस्ट अक्रू हुआ 40,000 ये वाला। तो परफॉर्मिंग एसेट के अंदर एक टर्म लोन है, उसमें टोटल इंटरेस्ट अक्रू हुआ 40,000, उसमें से रिसीव हो गया है 28,000। अब दिमाग लगाओ, ये टर्म लोन में परफॉर्मिंग एसेट में इंटरेस्ट अक्रू हुआ 40,000, उसमें से रिसीव हो गया 28,000। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का 12,000 अभी और भी हमको मिलना बाकी है। तो ये मैं डिटेल में लिख के देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। टर्म लोन के अंदर, टर्म लोन के अंदर एक परफॉर्मिंग एसेट है, उसमें मैं ऐसे लिखता हूं टोटल इंटरेस्ट अक्रू, टोटल इंटरेस्ट अक्रू हुआ 40,000 रुपीज, टोटल इंटरेस्ट अक्रू हुआ 40,000 रुपीज, उसमें दे इंटरेस्ट मैं डायग्राम के साथ बताऊं, 40,000 रुपीज टोटल इंटरेस्ट अक्रू हुआ। इस 40,000 रुपीज में से 28,000 रिसीव हो गया, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 40,000 टोटल इंटरेस्ट अक्रू हुआ, इसमें से 28,000 रुपीज
इंटरेस्ट रिसीव हो गया, अब अगर 40,000 में से 28,000 रिसीव हो गया तो बाकी कितना बचा? बाकी बचेगा 40,000 माइनस 28,000, 12,000। इस 12,000 को बोलेंगे कि इतना अभी इंटरेस्ट हमको मिलना बाकी है, मिलना बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो ये मैंने लॉजिक बताया कि जितना टोटल इंटरेस्ट अक्रू हुआ उसमें 28,000 मिल गया, मतलब बाकी का 12,000 अभी हमको और भी मिलना बाकी है। ठीक है, ऐसे ही बाकी तब में होगा, मतलब कैश क्रेडिट भी एक तरीके का लोन गिवन बाय अस होता है, उसमें 1,00,000 में दे 80,000, 1,00,000 अक्रू हुआ उसमें 80,000 रिसीव हो गया। फिर बिल्स परचेज, ये भी एक तरीके का लोन गिवन बाय अस होता है, 50,000 का इंटरेस्ट अक्रू हुआ उसमें पूरा 50,000 मिल गया। फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट दिया हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में पहले टर्म लोन के अंदर 15,000 अक्रू हुआ उसमें 5,000 रिसीव हुआ, कैश क्रेडिट के अंदर 30,000 अक्रू हुआ 20,000 रिसीव हुआ, बिल परचेज के अंदर 25,000 अक्रू हुआ 5,000 रिसीव हुआ। फिर लिखा स्टेट विच इनकम विल बी ट्रीटेड एज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2007। तो हम लोग इस टॉपिक का नाम रखेंगे टॉपिक नंबर 1 आज वाले इस इलस्ट्रेशन का, यहां से हमारा मेन आंसर शुरू होता है। इसका हम नाम रखेंगे टॉपिक नंबर 1 हाउ टू कैलकुलेट, या सिंपल भाषा में कैलकुलेशन ऑफ इनकम रिकॉग्नाइज्ड, कैलकुलेशन ऑफ इनकम रिकॉग्नाइज्ड, ये हमारे आज के टॉपिक का नाम। इनकम रिकॉग्नाइज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये उसका रूल है, जो यहां से लेकर मैं दिखा रहा हूं ये रूल है। क्या रूल है? कि जो परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स में इन केस ऑफ परफॉर्मिंग एसेट्स इनकम रिकॉग्नाइज्ड इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट अक्रूड, ये रूल है। परफॉर्मिंग एसेट्स में कितना इनकम रिकॉग्नाइज होगा, तो इन केस ऑफ परफॉर्मिंग एसेट्स इनकम रिकॉग्नाइज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट अक्रूड। अब देखो परफॉर्मिंग वाले में मैं लाइन ड्रॉ करके देता हूं, परफॉर्मिंग एसेट वाले में कितना कितना अक्रू हुआ, जितना अक्रू हुआ वही हमारी इनकम है। तो परफॉर्मिंग एसेट में इंटरेस्ट अक्रूड पहला है टर्म लोन वाला 40,000, कैश क्रेडिट वाला 1,00,000 और बिल परचेज वाला 50,000, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो परफॉर्मिंग में जो इंटरेस्ट अक्रूड है वही हमारी टोटल इनकम है। परफॉर्मिंग में जो इंटरेस्ट अक्रूड है वही हमारी टोटल इनकम है, तो 40,000 और 1,00,000 और 50,000। मेन आंसर तो दो लाइन का है, परफॉर्मिंग में जितना इंटरेस्ट अक्रूड है 40,000 और 1,00,000 और 50,000 वो हमारी इनकम रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि ये इनकम हमारी हो गई 40,000 और 1,00,000 और 50,000, टोटल 1,90,000। इसके अंदर जितना रिसीव हुआ, परफॉर्मिंग में जितना रिसीव हुआ उसको छोड़ दो, जितना अभी रिसीव होना बाकी है आउटस्टैंडिंग है उसको भी छोड़ दो, जितना टोटल इंटरेस्ट अक्रू हुआ 40,000 और 1,00,000 और 50,000 परफॉर्मिंग में वो हमारी इनकम रिकॉग्नाइज्ड है 190। अब नॉन परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग का रूल क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रूल है कि इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ओनली द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज कंसिडर्ड एज इनकम रिकॉग्नाइज्ड, मतलब जितना इंटरेस्ट सिर्फ मिला उतना ही हम बोलेंगे कि हमारी इनकम हुई नॉन परफॉर्मिंग में। मतलब नॉन परफॉर्मिंग में कौन सी अमाउंट हमारे काम की है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में ये वाला रिसीव्ड वाला हमारे काम का है 5,000, 20,000 और 5,000। अब 5 और 20 और 5 कितना होगा 30,000, ये हमारे काम का है। मैं टिक भी करके देता हूँ और ये आंसर खत्म भी हो गया हमारा, सिर्फ आपको दो छोटी छोटी बातें याद करनी है। परफॉर्मिंग में जो इंटरेस्ट अक्रूड है वही हमारी इनकम है, नॉन परफॉर्मिंग में जितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो हमारी इनकम है। तो परफॉर्मिंग में 40,000 और 1,00,000 और 50,000 टोटल 190 हुआ, नॉन परफॉर्मिंग में 5 और 20 और 5 कितना होगा 30,000, ये 5 और 20 और 5 कितना होगा 30,000। अब परफॉर्मिंग वाले का 190 प्लस नॉन परफॉर्मिंग वाले का 30 टोटल हुआ 2,20,000। इस 2,20,000 को बोलेंगे हम टोटल इनकम रिकॉग्नाइज्ड, मतलब बैंक वाले इतना इनकम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर सकते हैं 2,20,000 रुपीज। डन, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, इतना ही आंसर है हमारा, एक बार लिखेंगे सारे स्टूडेंट्स। ये चैप्टर का नाम है बैंक अकाउंट्स, लिखते रहो, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा। ये क्वेश्चन है, ये मीनिंग है,
एग्जाम में नहीं लिखना, अभी लिखना, एग्जाम में नहीं लिखना, ये भी मीनिंग है, ये मेन आंसर है। एग्जाम में आपको सिर्फ इतना लिखना है बस। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना, लिखते रहो बेटा, लिखते रहो।